बुद्धवाणी धम्मपद दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुद्धवाणी धम्मपद ग्रंथ के विभाजन के विषय में। ये धम्मपद ग्रंथ को किस तरह विभाजन किया है, कौन कौन से वर्ग में विभाजन किया है और हर वर्ग में कितने कितने गाथाएं आता है, यही ग्रंथ विभाजन का विषय आज हम चर्चा करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहं सम्यक् सम्बुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्खु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के महत्वपूर्ण और मूल सारांश उपदेशों का संग्रह, गाथाओं का संग्रह धम्मपद ग्रंथ है। यह धम्मपद ग्रंथ में समाविष्ट जो गाथाएं हैं वो छोटे छोटे हैं, कोई दो लाइन का, कोई चार लाइन का, ऐसे छोटे छोटे गाथाओं का संग्रह इस ग्रंथ में है। ये गाथाएं छोटे हुए भी तथागत बुद्ध का महत्वपूर्ण उपदेशों का सार है। उपदेश देते समय हो या धम्म की चर्चा करते समय हो, इन गाथाओं को उपमा उदाहरण के रूप में, प्रामाणिक बुद्ध वचन के दस्तावेज के रूप में प्रयोग करते हैं। कोई भी भिक्खु भिक्खुनी कोई भी सभा समारोह या पूजा पाठ में कहीं भी धम्म देशना करते समय धम्म पद के गाथाएं ये पाली वचन प्रस्तुत करते ही है। ऐसे गाथाओं का संग्रह धम्मपद ग्रंथ में कुल 423 गाथाएं समाविष्ट है। मतलब धम्मपद ग्रंथ में तथागत बुद्ध के जो वाणी है, जो गाथा है, वो 423 गाथा संख्या है। इन 423 गाथाओं को भी ग्रंथ में विविध वर्ग बना के, विभिन्न वर्ग में विभाजन करके
26 वग्ग बनाया है, जैसे यमक वग्ग, अप्रमाद वग्ग, ऐसे 26 वग्गों में विभाजित किया है धम्मपद ग्रंथ को। धम्मपद के 26 वग्गों का नाम तथा उन वग्ग में समाविष्ट गाथाओं का संख्या कितना है, आइए ये भी हम जान लेते हैं। एक, धम्मपद का पहला वग्ग है यमक वग्ग। ये यमक वग्ग में कुल 20 गाथाएं समाविष्ट है। तथागत बुद्ध के जो वाणी है, जो बुद्ध वाणी गाथाएं हैं, ये वग्ग में 20 गाथाएं आया हुआ है। दो, अप्रमाद वग्ग या अप्रमाद वर्ग। इस वग्ग में तथागत बुद्ध के जो बुद्ध वाणी गाथाएं हैं, 12 गाथाएं आया हुआ है। तीन, चित्तवग्ग। चित्तवग्ग में 11 गाथाएं आया हुआ है। चार, पुष्पवग्ग अर्थात पुष्प वर्ग। पुष्प से संबंधित तथागत बुद्ध के जो वाणी है, जो गाथाएं है, 16 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। पांच, बाल वग्ग अर्थात मूर्ख वर्ग। मूर्ख से संबंधित तथागत बुद्ध के जो उपदेश है, जो गाथाएं हैं, ऐसे 16 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। छे, पंडित वग्ग। पंडित वग्ग में पंडित से संबंधित तथागत बुद्ध के उपदेश, तथागत बुद्ध के गाथाएं, 14 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। सात, अरहंत वग्ग। अरहत से संबंधित, दुख मुक्त अरहंत से संबंधित तथागत बुद्ध के उपदेश, जो गाथाएं हैं, 10 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। आठ, सहस्र वग्ग। सहस्र से संबंधित 16 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। नौ, पाप वग्ग। पाप से संबंधित तथागत बुद्ध के 13 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। दस, दंड वग्ग। दंड से संबंधित तथागत बुद्ध के जो वाणी है, जो गाथाएं हैं, 17 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। 11, जरा वग्ग। जरा से संबंधित, वृद्ध से संबंधित तथागत बुद्ध के 11 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। 12, अत्त वग्ग। अत्त या खुद से संबंधित तथागत बुद्ध के जो उपदेश है, जो वाणी है, 10 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। 13, लोक वग्ग। लोक से संबंधित तथागत बुद्ध के उपदेश, तथागत बुद्ध के वाणी, 10 गाथाएं इस वग्ग में आया हुआ है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि।
बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।